सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल मैथ्स लर्नर। आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आपका पाथफाइंडर है उसके सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं 30 से आगे को, ठीक है। 30 के बाद जो क्वेश्चंस होंगे 1 to 29 के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसको फॉलो कीजिए। आपको हर क्वेश्चन में कुछ नए तरीके से सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि आपको पाथफाइंडर और कई यूट्यूब में ढूंढ के भी नहीं मिलेंगे, आप ये सारी चीजें, ठीक है। तो YouTube में पहला चैनल है जो NDE पे जो पूरा आपको फोकस कर रहा है आपकी प्रिपरेशन के लिए और पूरा आपको लाइन दे रहा है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए आप, तो ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं। तो ये मेरे जो चैनल है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ 30 से अहेड, ठीक है, और जितने वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं प्लीज उनको नेगलेक्ट मत कीजिए। हर किसी नई चीजें जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फ्रॉम एनडीए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये मत समझिए कि आप ऐसे चैनल भी को तैयारी करनी तो मतलब ये सिंसियरली तैयारी करनी है, ये नहीं कि आपने बैठ गए बस हो गया 4-5 चैनल पकड़ लिए यहाँ से ये वहाँ से वो, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फॉलो कीजिए वीडियो सिंसियरली, आई एश्योर यू दैट यू डेफिनेटली गेट सेलेक्टेड और मेनी ऑफ देम आर रियली गेटिंग सेलेक्टेड इन एनडी एग्जाम, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट वाला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इफ जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है। तो इसमें हम यूलर्स फॉर्म में इसको बिना कन्वर्ट किए हुए सीधे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज मालूम है आर्ग्यूमेंट की, तो उनको यूज कीजिए ताकि वो सिंपल हो जाए आपके क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालना है, वो पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि इतना लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो आप भी शॉर्टकट में आ जाएंगे फिर बाद में, क्योंकि इतने सारा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, मैं केवल समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल, ओके। आर्ग्यूमेंट ऑफ ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में आपका ये हो गया पावर 17 है और डिनोमिनेटर में हो गया आपका 1 - i(2)50। अब अगर आपने लॉग कर रखा है तो लॉग की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आर्ग्यूमेंट फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो यहाँ पे लॉग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू बन जाएगा ये, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 i(2)17 ये आपका जेड वन हो गया माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, नीचे में आपका डिनोमेटर में 1 - i(2)50 है, ठीक है। अब लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि पावर जो है आगे आ जाता है यहाँ, ठीक है ना, ये 50 भी आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ये 17 आर्ग्यूमेंट √3 i(2), ओके, और इसके बाद माइनस 50 आर्ग्यूमेंट 1 - i(2), ठीक है। ये चीजें आप समझिए। अब देखिए यहाँ से मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना बहुत इजी हो गया है, ये छोटा सा आपका √3 i(2) दिमाग में का निकल जाता है आर्ग्यूमेंट, तो 17 आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 i(2) क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 10 inverse y/x, तो 10 inverse कितना 1/10 inverse 1/√3, ठीक है, ये 1/√3, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये लॉग की प्रॉपर्टीज तो वैसे दिमाग में सॉल्व हो जाती इतने तक, ठीक है। माइनस 50 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - i(2), फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा आपका माइनस 10 inverse मोड ऑफ y/x होता है, मोडलस ऑफ y/x, तो पॉजिटिव आ जाएगा 1, तो पॉजिटिव 1 आ गया, माइनस 1/1 है तो उसका मोडलस +1 हो गया, ठीक है। तो यहां से कितना आया आपका इक्वल टू 17 10 inverse 1/√3 माने आपका 30 degree, तो π/6, ये क्लियर हो गया होगा। माइनस 50 टाइम्स 10 inverse, सॉरी माइनस माइनस से प्लस लिख देते हैं बीच में क्योंकि माइनस माइनस मल्टी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो गया, 50 × π/4, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए 12 आ गया, 17 × 34 पाई प्लस 3 150 पाई, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया आपका 4 5 + 3 8 और ये कितना आ गया आपका 184/12, ठीक है। अब इसको देखिए आप, 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 8 + 4 = 12 13, नहीं 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल है दोनों, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करें, 4 × 3 = 12 4 × 4 = 16 1 2 = 4 = 24, तो ये आपका कितना आ गया 46 π/3। अब 46 के आसपास आपने एक नंबर ऐसा ढूंढना है जो 3 से डिविजिबल है, तो 46 से आसपास जो हमारा नंबर आएगा 48 आ गया, 48 π माइनस इसको लिख दिया हमने 2π/3, तो अब इसको जब डिवाइड करूंगा मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3, तो कितना आएगा 16 π
16 pi माइनस 2 pi by 3, तो ये 16 pi वाला पार्ट देंगे, ठीक है, ये 16 pi वाला पार्ट छोड़ दिया आपने, तो सीधे सीधे आपका ये जो आपका बचा है ये आपका रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2 pi by 3। तो इस तरीके से आपने सॉल्यूशन करना है। आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी बता रहा हूं मैं, बट बीच का अगर आप स्टेप देखें, लॉग की प्रॉपर्टीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है, तो ये आपका सीधे सीधे सॉल्यूशन है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है और वेरी इजी तरीके से कैलकुलेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो माइनस 2 पाई बाई 3, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मोड ऑफ जेड माइनस जेड इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। जब भी इक्वेशन आता है तो आपको सीधे सीधे सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन से चलना है, ठीक है। तो देखिए मोड ऑफ जेड दे रखा है, चलो पहला ऑप्शन लेते हैं हम, ए वाला ऑप्शन जेड की जगह पर रखेंगे, तो क्या ये इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है चेक कर लेते हैं। तो मोड ऑफ जेड क्या बनेगा, अगर पहला वाला को हम अगर जेड माने तो मोड ऑफ जेड क्या बन जाएगा आपका 9/4 प्लस 4 का स्क्वायर रूट, ऐसा बनेगा, ठीक है। और बीच माइनस जेड है आपका, तो माइनस जेड का मतलब कितना हो गया 3/2 माइनस 2 आयोटा। तो इसको सॉल्व करके आपका 1 RHS के बराबर आना चाहिए, RHS आपका 1 प्लस 2 आयोटा है, तो आ रहा है नहीं चेक कीजिए आप, 4 जा 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2 माइनस 3/2 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, तो इसमें अगर हम घटा लीजिए पहले 5 माइनस 3 2 हो गया, 2/2 1 हो गया, 1 प्लस 2 आयोटा। तो पहला ही वाला जो आपका ऑप्शन है वो सीधे सीधे सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले को, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 प्लस 2 आयोटा आ गया। आप देख रहे होंगे 5 माइनस 3 2 अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधे सीधे घटा सकते हैं, ठीक है। तो 2/2 1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ चुका है, ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकस ऑफ द पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सेटिस्फाइंग, जो आपका यहाँ पे इक्वेशन गिवन है यू कैन सी हियर, ठीक है ना। तो मोड की प्रॉपर्टी होती है आपको मालूम होना चाहिए, मोड ऑफ जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू, सॉरी मोड ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू विल बी इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू, ये प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अब इस केस के हिसाब से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और डिनोमीटर, और डिनोमीटर को उस तरफ भेजिए राइट हैंड साइड में, तो आपके पास बचा क्या है जेड माइनस टू आयोटा, और राइट हैंड साइड में आ गया क्या है जेड प्लस टू आयोटा का मोड, ठीक है। अब ये आ गया, अब जेड को हमने कुछ मान लेते हैं, जेड को मानना क्या है, जेड ऑलरेडी गिवन है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स प्लस आयोटा वाई गिवन है, तो मोड मोड ऑफ जेड माइनस टू आयोटा, तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा का मोड विल बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू आयोटा, ये आ गया, ठीक है। इसके बाद रियल पार्ट को अलग कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को अलग कीजिए, तो रियल पार्ट में एक्स ही है, या आयोटा कॉमन लेंगे तो बचेगा वाई माइनस टू, और ये मोड आपका आ गया, ठीक है। और इस तरफ क्या बचा, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू, इस तरीके से बच गया, ठीक है, इसका मोड। अब इसको मोड आप सॉल्व करना आता ही आपको, मोड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वाई की जगह वाई माइनस टू टू है, तो रूट ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसमें तो थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, हर क्वेश्चन में आप ऐसी ट्रिक आएगी नहीं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आएगा दोनों तरफ, तो स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट गायब हो चुका है, तो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा आपका, ठीक है, क्या बचा आपके पास, y माइनस टू का होल स्क्वायर और y प्लस टू का होल स्क्वायर, तो इसको आप इस तरफ लाइए, आपके पास क्या गया, y माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस y प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी में क्या हो जाएगा y माइनस टू प्लस y प्लस टू, और a माइनस बी में क्या हो जाएगा y माइनस टू माइनस y माइनस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा आपका, टू से टू कैंसिल हो गया, टू वाई बचा, और यहाँ क्या बचा आपका, टू से वाई कैंसिल हो गया, तो इंटू माइनस फोर आ गया इक्वल टू जीरो, तो माइनस एट वाई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वाई इक्वल टू जीरो आपका यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। वाई इक्वल टू जीरो किसका इक्वेशन होता है, एक्स एक्सिस का, तो सीधे सीधे आपका आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस मोड ऑफ जेड माइनस फोर इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा माइनस मोड ऑफ जेड प्लस फाइव आयोटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है,
मोड ऑफ जेड माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और दूसरा इक्वेशन है मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा माइनस मोड ऑफ जेड प्लस फाइव आयोटा इक्वल टू जीरो। तो जेड की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो इसमें वैल्यू रख करके आप चेक करेंगे। तो पहले तो आप रूट थ्री माइनस आयोटा चेक कर लीजिए, पहले वाला जो ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन, ठीक है ना। इसके लिए चेक होगा, तो सी के लिए भी चेक हो गया है क्योंकि नंबर सेम है। मोड निकालने पे साइन से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, नंबर्स अगर सेम है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में तो उनका मोडलेस वगैरह सेम आएगा, ठीक है। तो मोडलेस वैल्यू आप देखिए, रूट थ्री माइनस आयोटा का जो मोडलेस होगा वो कितना आएगा आपका, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री प्लस माइनस स्क्वायर वन, ठीक है। तो रूट थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्क्वायर रूट टू, और माइनस फोर है साथ में। इस वाले इक्वेशन को देखिए आप, मोड ऑफ जेड माइनस फोर में हम इसको रख रहे हैं तो इक्वल टू कितना आना चाहिए, जीरो, बट इक्वल टू माइनस टू आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ए और सी, ए भी नहीं है आंसर, सी भी नहीं है। अब चलते हैं हम बी वाले पार्ट में, ठीक है। अब रखते हैं इसको, टू रूट थ्री माइनस टू आयोटा का मोड ऑफ जेड माइनस फोर करना है यहाँ भी, तो मोड ऑफ जेड कितना आ जाएगा, टू रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जेड ट्वेल्व प्लस माइनस टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर रूट, और उसके साथ माइनस फोर है, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर रूट आपका आ गया 4, 4 माइनस फोर जीरो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये आपका ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। ये भी क्योंकि नंबर्स यहाँ भी सेम है, ये भी सेटिस्फाई होगा, और ये भी सेटिस्फाई होगा, नंबर सेम है बट साइन से फर्क नहीं पड़ता, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। पहले सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो दैट मीन्स बी और डी में से अब आंसर है आपका। अब इक्वेशन टू को भी हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आंसर हमें एग्जैक्टली चाहिए तो। इक्वेशन टू क्या आपका, मोड ऑफ जेड माइनस आयोटा माइनस जेड प्लस फाइव आयोटा का मोडलस। अब हम रखते हैं इसमें, पहले वाले को रख लेते हैं जेड की जगह पे, टू रूट थ्री माइनस टू आयोटा माइनस आयोटा का मोडलस, और माइनस जेड टू रूट थ्री माइनस टू आयोटा प्लस फाइव आयोटा का मोडलस। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, टू रूट थ्री माइनस थ्री आयोटा का मॉडुलस, और माइनस टू रूट थ्री प्लस थ्री आयोटा का मॉडुलस, ठीक है। तो इसका मॉडुलस कितना हो गया आपका, टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जो ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, ठीक है ना, का स्क्वायर रूट माइनस। तो इसका भी उतना ही आएगा, सेम नंबर सेम है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेल्व प्लस नाइन यहाँ भी आएगा, दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा था में साइन से फर्क नहीं पड़ता है, नंबर्स अगर सेम है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में दोनों का मॉडुलस सेम आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये इसको इतना रूट भी निकालने की हमें जरूरत नहीं थी, तो इसका सीधे सीधे कितना आ जाता है, जीरो, ठीक है। ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसका दूसरा पार्ट भी चेक कर लीजिए आप, तो दूसरा पार्ट चेक करेंगे तो कितना आएगा, माइनस टू रूट थ्री, अब माइनस आयोटा माइनस टू आयोटा, ठीक है, माइनस टू आयोटा है उसके साथ फिर माइनस आयोटा है, तो माइनस थ्री आयोटा हो जाएगा पहले वाले मॉडुलस में, ठीक है ना। माइनस और दूसरे वाले मॉडुलस में क्या हो जाएगा, माइनस टू रूट थ्री माइनस टू आयोटा प्लस फाइव आयोटा, ठीक है, तो प्लस थ्री आयोटा हो गया। तो यहाँ भी आपका ये सेटिस्फाई हो रहा है, चेक कीजिए, नंबर सेम है, ठीक है। और मॉडुलस में आप देखिए, दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में साइन को छोड़ते हुए नंबर सेम है, तो दोनों की मॉडुलस वैल्यू सेम आएगी, तो इक्वल टू जीरो आना ही आना है, ठीक है। तो बी जो आपका ये आंसर होगा, इट विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस जेड क्यूब प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड जेड टू द पावर 1985 प्लस जेड टू द पावर 100 प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ये क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन आपका एनडी 1 2019 में भी पूछा गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं, कभी कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, कोई कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉमन रूट्स निकालने, कॉमन रूट्स का मतलब जो रूट्स दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो इसमें भी हम इक्वेशन है तो हम चलेंगे ऑप्शन से, ठीक है ना। तो पहला इक्वेशन हमारा, पहला ऑप्शन है ए, ए को दोनों इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो पहले आप देखिए माइनस वन माइनस वन, तो माइनस वन से अगर चेक करेंगे तो ए और बी दोनों के लिए चेक हो जाएगा पहले केस में, ठीक है ना। तो माइनस वन के लिए चेक करते हैं, जेड टू दी पावर माइनस वन, तो अगर जेड की जगह पे, सॉरी जेड टू दी पावर थ्री है, जेड की जगह पे माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन ही आएगा यहाँ पे, माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन, और जेड का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू हो गया आपका ये, टू इंटू जेड, टू इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस वन, क्या जीरो बन रहा है, यस इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। अब इक्वल टू जीरो आ रहा है तो फिर ओमेगा के लिए चेक करना पड़ेगा। चलो अब ओमेगा के लिए चेक करते हैं, ओमेगा क्यूब प्लस टू ओमेगा स्क्वायर
प्लस 2 ओमेगा प्लस 1, ठीक है ना, इक्वल टू 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें मालूम होती है 1 होती है. तो 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1. तो यहां से 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका है 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ये आपका 0 आ गया. दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, ओमेगा भी सेटिस्फाई कर रहा है माइनस, तो पहले इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब दूसरे इक्वेशन को चेक कीजिए, क्या आपका माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है. ठीक है, तो माइनस 1 आप देखिए दूसरे इक्वेशन में माइनस 1 की पावर माइनस ही रहेगा, ऑड नंबर है, और जेड की पावर 100 है, तो आपका माइनस 1 की पावर 100 माने प्लस 1 और प्लस 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ठीक है, तो माइनस 1 तो सीन से आउट हो चुका है. अब ओमेगा के लिए हमने चेक कर दिया था, अब ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक करते हैं. ठीक है, क्योंकि अब नन ऑफ दीज भी दे रखा है यहाँ पे, तो अब ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक करना जरूरी है. तो ओमेगा स्क्वायर के लिए चेक करेंगे तो ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा आपका, 6 प्लस पहला इक्वेशन 2 ओमेगा के स्क्वायर 4 प्लस 2 ओमेगा, सॉरी 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ओमेगा की पावर 6 क्या हो गया आपका, ओमेगा की पावर 6 हो गया आपका 1, और फिर आपका 1 प्लस 1 2 हो गया, फिर 2 कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 कुछ इस तरीके से बचेगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, इसकी वैल्यू हो गई 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0. तो हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r इक्वल टू हमेशा 0 होता है, जब r की वैल्यू क्या होगी, r जब 3 का मल्टीपल नहीं होगा. दैट मीन्स अगर हमने 1 प्लस ओमेगा की पावर लिख दिया 11 प्लस ओमेगा की पावर लिख दिया इसका डबल 22 इक्वल टू ये हमेशा 0 आएगा. बट ये 0 नहीं बनेगा कब, जब ओमेगा की पावर लिख दिया मैंने 15 और ओमेगा की पावर यहाँ लिख दिया मैंने 30. तो अब ये देखो यहाँ भी और ये 2r है, r माने 15, 2r 30, बट यहाँ पे जो r है 15 ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल होगा तो 1 प्लस ये भी 1 ये भी 1, इसकी टोटल वैल्यू जो बनेगी वो 3 बनेगी. ठीक है, बट यहाँ पे 2 जो है r की जगह पे 2 है और 2r की जगह पे 4 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू आ गई. ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा सी वाला जो ऑप्शन है इट विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज एन nth रूट ऑफ यूनिटी अदर देन यूनिटी इटसेल्फ देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टोटल अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो सीधे आंसर इसका 0. अभी प्रॉपर्टी होती है आपकी, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके क्या होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो इन तीनों का सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी. अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में आपके 4 रूट्स आएंगे. ठीक है ना, सपोज मान लेते हैं वो 4 रूट्स आ गए आपका 1 कॉमा अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा की पावर 3. ठीक है, तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो गए, इनके रूट्स हो गए, तो इन सब का सम इक्वल टू 0 आएगा हमेशा. अगर फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो उनके रूट्स अगर सपोज कि 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब और अल्फा की पावर 4 हो गया, 5 रूट्स हो गए, तो इन सब का सम ऑलवेज 0 आएगा. तो यहां पे nth रूट ऑफ यूनिटी है तो इसके n रूट्स आएंगे, तो ये सारे के सारे n रूट्स हैं, ये 1 हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, ये सारे के सारे रूट्स हैं इनके, तो इन सारे रूट्स का सम जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर. ठीक है, टोटल जितने भी रूट्स आए हैं इसके, तो लास्ट वाला रूट जो इसका है अल्फा टू दी पावर एन माइनस 1 लिखा गया है, तो इन सब का जो सम आएगा वो इक्वल टू 0 ही आएगा ऑलवेज. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, मोड ऑफ जेड माइनस 2 अपॉन मोड ऑफ जेड माइनस 3 इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल देन इट्स रेडियस इज इक्वल टू, तो इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए आप. जेड को कुछ मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस 2 का मोड, और इसको उस तरफ भेजेंगे आप 2 टाइम्स मोड ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस 3 का मोड. ठीक है, अब ये रियल पार्ट अलग करिए और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा मोडलस, x माइनस 2 का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं, स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा. ठीक है, और इस तरफ क्या आ जाएगा आपका रियल पार्ट में, क्या आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर. ठीक है, और प्लस y का स्क्वायर, ये आपका इस तरीके से रिजल्ट यहाँ आ चुका है. ठीक है, इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आपने इसकी रेडियस निकालनी सर्कल की, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका 4 की यहाँ पे 4 की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है कहानी. ठीक है,
तो एक काम कीजिए, इसको पहले x माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, और इस तरफ हम भेज देते हैं फोर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर। और यहाँ से आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर एक्स इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस फोर एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये थ्री वाई स्क्वायर को इस तरफ ला जाइए माइनस थ्री वाई स्क्वायर। फिर एक्स वाला टर्म आपका कौन सा है, माइनस टू एक्स और प्लस ट्वेंटी फोर एक्स, तो प्लस कितना आ जाएगा आपका, ये ट्वेंटी टू एक्स। ठीक है ना, वाई वाला टर्म यहाँ पे गोल है, ठीक है ना, वाई वाला टर्म यहाँ पे है ही नहीं। और फिर आपका बचा कॉन्स्टेंट, तो माइनस फोर्टी आपका कॉन्स्टेंट आ गया है, माइनस फोर और माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको आप माइनस थ्री से डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू बाई थ्री एक्स, और फिर आपका वाई वाला पार्ट नहीं है, और प्लस फोर्टी बाई थ्री हो जाएगा ये इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से अब उसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो इसका जो एक्स का जो आपका कोफिशियंट है इसका आधा कर दीजिए और उसका साइन चेंज कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आधा करने पे 11 अपॉन 3 का साइन चेंज कर दिया प्लस 11 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 0 एफ। अब दूसरा वाला पार्ट तो आपका है नहीं, तो वाई वाला जो कोफिशियंट है उसको 0 माइनस कॉन्स्टेंट, तो माइनस 40 अपॉन 3 का स्क्वायर रूट, ये आपका रेडियस होगा। तो 121 अपॉन 9 माइनस 43 जा 120 अपॉन 9, 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया आपका, 1 अपॉन 9 का स्क्वायर रूट, दैट इज 1/3। तो ये आपका सीधे सॉल्यूशंस हो गया। आप इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा शॉर्टकट्स वगैरह हर क्वेश्चन पे तो मिलेगा नहीं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल गेट शॉर्टकट्स। ओके, तो ये आपका बी वाला आंसर है, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन, इफ जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा, देन अल्फा जो आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, ये आपको दिख रहा है पाई से लेके 3π/2, तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड क्या होगा, तो मोड ऑफ जेड आपका पॉजिटिव होगा जो भी आएगा। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, आपने ये देखना है, अल्फा की वैल्यू आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो आपका मोड ऑफ जेड आपको मालूम है क्या होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर अल्फा। तो सेक स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट सेक अल्फा। ठीक है, अल्फा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अल्फा की वैल्यू वही है, चेंज नहीं होगी, तो ये आपका सीधे कितना आ जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच, ये आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, इज प्योरली इमेजिनरी विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट इज, प्योरली इमेजिनरी कह रहा है, दैट मीन्स रियल पार्ट जीरो आना चाहिए, विद पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, और इमेजिनरी पार्ट आपका पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो देखिए, वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा, इसके बारे में पहले भी कहा था हमने, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस बराबर होगी। अगर ये वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा होता तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, प्लस आयोटा के बराबर। और अगर ऊपर में वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा, नीचे में ऐसा है, ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है, तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा के बराबर होगी। तो ये आपने सीधे आपने माइनस आयोटा लिखा टू दी पावर एन। ठीक है, दैट मीन्स माइनस वन टू दी पावर एन इंटू आयोटा की पावर एन। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कब बनेगा, जब आपका, अगर एन की जगह पे मैं वन रखूंगा, तो देखिए आप ऑप्शंस देखिए, एन की जगह पे वन रखूंगा तो ये आपका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और इमेजनरी तो आ ही रहे, इस प्योरली इमेजनरी, अगर मैं आयोटा की जगह पे वन रखूंगा तो माइनस वन टू दी पावर वन इंटू आयोटा की पावर वन, दैट मीन्स इमेजनरी आ रहा है बट नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो प्योर विथ पॉजिटिव कह रहा है। तो थ्री रख के चेक कीजिए, तो थ्री रख के चेक करेंगे तो क्या होगा, माइनस वन टू दी पावर थ्री, दैट मीन्स माइनस वन ही आएगा।
और इनटू आयोटा की पावर थ्री आयोटा आ गया, ठीक है ना, आयोटा की पावर थ्री माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा आ गया, दैट मीन्स ये इमेजनरी भी है और पॉजिटिव भी है, तो दैट मीन्स आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट्स जेड वन जेड टू जेड फोर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेलोग्राम टेकन इन ऑर्डर इफ एंड ओनली इफ, तो अगर ये पैरेलोग्राम के वर्टिसेस होंगे तो ये आपका ऑर्डर में हैं, जेड वन जेड टू साइक्लिक ऑर्डर में आएगा, जेड थ्री एंड आफ्टर दैट जेड फोर, इस तरीके से आ गया, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप वेक्टर का यूज करेंगे, वेक्टर वाला, तो ये आपका जो जेड वन माइनस जेड फोर, ये आपका यही जो, ठीक है ना, अपोजिट साइड सारे इक्वल होता है, ठीक है. तो जेड वन माइनस जेड फोर किसके बराबर आएगा बताइए आप, जेड टू माइनस जेड थ्री के बराबर आएगा, ठीक है. जेड वन माइनस जेड फोर, जेड वन और जेड फोर के बीच का जो डिस्टेंस है आपका जेड वन माइनस जेड फोर विल बी इक्वल टू जेड टू माइनस जेड थ्री, ठीक है. यहाँ से आपका जेड थ्री को इस तरफ भेजिए और जेड फोर को इस तरफ भेजिए, तो क्या आ जाएगा, जेड वन प्लस जेड थ्री इक्वल टू वट, जेड टू प्लस जेड फोर, तो आपका सेकेंड वाला आंसर करेक्ट आ गया. दूसरी वाली साइड लूँ ऊपर और नीचे वाली, तो यहाँ भी आपका ये रिजल्ट आएगा, आप चेक कर लीजिए. अगर मैं जेड वन और जेड टू के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा, जेड टू माइनस जेड वन और जेड थ्री और जेड फोर के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो जेड थ्री माइनस जेड फोर, तो यहाँ से क्या हो रहा है देखिए आप, जेड फोर को इस तरफ भेजिए और जेड वन को इस तरफ भेजिए, तो जेड टू प्लस जेड फोर इज इक्वल टू जेड थ्री प्लस जेड वन, तब भी हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है सेम, ठीक है. तो आपको पहले वाले से दूसरे वाले को करने की जरूरत नहीं, तो मैंने खाली दिखाया आपको कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम पैरेलोग्राम का जो है जो वेक्टर्स वाला है चैप्टर, थोड़ा बहुत उससे हमने इसका हेल्प लेकर के इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है. तो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2x इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आयोटा हटाना पड़ेगा, तो इसको 3 को इस तरफ भेजिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू आ गया आपका 5 आयोटा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे आप आयोटा हटाने के लिए, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2 टू जब 4 3 12x प्लस 9 इक्वल टू माइनस 25, ठीक है. इसके बाद आपका क्या बन रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 12x, इसको यहाँ भेजेंगे आप 25, तो कितना माइनस 25 प्लस 25 प्लस 34 हो गया इक्वल टू 0. अब इसके बाद 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल टू 0 आ गया. अब इस जो आपका आ रखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 से डिवाइड कीजिए, जो आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल यहाँ पे गिवन है, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 को हम डिवाइड करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 से, तो कितना आ जाएगा आपका 2x, x आ जाएगा यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x, तो इसको आप घटाएंगे तो ये आपका कट गया 8x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 72, फिर यहाँ आ जाएगा आपका प्लस 4, 4 टू या 8x स्क्वायर 24x प्लस 68, ठीक है. अब इसको घटा के जो बचा रिमाइंडर वही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ, माइनस प्लस ये आपका कैंसिल हो गया, 72 माइनस 68, तो यहाँ से कितना रहा 4, तो 4 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो यहाँ आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस जो है हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके सामने डिस्कस करूंगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.